By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 अपूर्व अनुभव। इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो जापानीज बच्चों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पूरी कहानी है ये जापानी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है, जापानी भाषा के अंदर लिखी गई है। इसी वजह से इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हम करेक्टर्स के नाम सुनेंगे, जगहों के नाम सुनेंगे, वो सब जापानी भाषा से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दो बच्चों की बात हुई है। ये जो दोनों बच्चे हैं ये तमोई जगह पर रहते हैं और वहाँ पर ये बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे जनरली, ये दोनों बच्चे ही नहीं, यहाँ पर जो भी बच्चे रहते हैं उन्होंने अपना एक एक पेड़ फिक्स करा हुआ है। जैसे कि आपका फ़ोन फिक्स है कि ये वाला फ़ोन मेरा है मम्मी, इस फ़ोन को कोई नहीं चला सकता, मैं ये फ़ोन किसी को नहीं दूंगा, ऐसे ही वहाँ पर सब बच्चों ने एक एक पेड़ अपना फिक्स करा हुआ था उस जगह पर। और उन पेड़ को वो ये मानते थे कि ये पेड़ हमारे चढ़ने के लिए है, हम इसके ऊपर चढ़ेंगे, हम चाहे इसके ऊपर कुछ भी करेंगे लेकिन ये हमारा पर्सनल पेड़ है, और वो उनकी निजी संपत्ति वो लोग मान लेते थे। और उस पेड़ के ऊपर अगर किसी को आना होता था, मान लो मैं हूँ, मुझे किसी और बच्चे के पेड़ के पास जाना है, तो उस पेड़ के पास जाने के लिए या फिर उस पेड़ पर चढ़ने के लिए मुझे उस बच्चे से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं तुम्हारे पेड़ के ऊपर चढ़ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, तो इस तरीके से बोलना पड़ता था। चैप्टर के अंदर दो बच्चे हैं, उनका नाम है तोतो चैन और यासुकी चैन। तो जो तोतो चैन है वो एक लड़की है और यासुकी चैन एक लड़का है। तो जो यासुकी चैन है वो और बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है, उसे पोलियो की बीमारी हुई थी जिसकी वजह से उसके हाथ पैर कमज़ोर हैं। तो जो तोतो चैन है वो पेड़ था उसका एक मैदान के अंदर जो कि बाहरी हिस्से में था और उसी के पास से एक सड़क जा रही थी जो कि कोहनुबुस्तु एक जगह का नाम है, वहाँ पर वो जा रही थी सड़क। तो वहाँ पर ही उसका पेड़ भी लगा हुआ था उस सड़क के पास ही, उस बड़े से पेड़, मतलब जो पेड़ था जिसके ऊपर तोतो चैन चढ़ती थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसके ऊपर चढ़ते समय पैर फिसलने लगते थे, लेकिन ठीक से चढ़ा जाए तो ज़मीन से 6 फुट की ऊँचाई पर, मतलब अगर ठीक से आप उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए जैसे तैसे करके, वैसे तो पैर फिसलते थे, तो आप ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंच जा सकते थे। मतलब आप द्विशाखा पर पहुंच जाएंगे, द्विशाखा एक तरीके से शाखा समझ लीजिए, ब्रांच, एक तरीके से ब्रांच के ऊपर आप पहुँच जाएंगे और वहाँ से ऐसा लगता है वहाँ पर पहुँचने के बाद जैसे आप किसी आरामदायक झूले पर बैठे हुए हैं। तोतो चैन अक्सर खाने की छुट्टी मतलब लंच ब्रेक के अंदर और स्कूल के बाद वहीं पर चढ़ी मिलती थी, वहाँ से वो दूर आकाश में या सड़क पर आ जा रहे लोगों को देखती थी। तोतो चैन ने सभागीत में शिविर लगने के बाद, मतलब एक एग्जीबिशन लगने के बाद, उसके 2 दिन बाद बड़े साहस से, मतलब बहुत ज़्यादा उसको हिम्मत जुटानी पड़ी, उसके बाद उसने एक काम करने का फैसला लिया। उसने सोचा कि जो यासुकी चैन है वो उसको अपने पेड़ पर आने का न्योता देगी, मतलब बोलेगी कि आ जाओ मेरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। लेकिन यासुकी चैन को तो पोलियो था, इस वजह से वो बेचारा किसी भी पेड़ को अपना पेड़ नहीं मानता था। जैसा मैंने आपको बताया कहानी के शुरू में कि जितने भी बच्चे थे वो सब हर एक पेड़ को हर बच्चे ने डिसाइड करा हुआ था कि ये मेरा पेड़ है, लेकिन यासुकी चैन को पोलियो था तो वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता था, इस वजह से वो किसी भी पेड़ को अपना पेड़ नहीं मानता था। जो तोतो चैन था और यासुकी चैन थी, ये इस कार्यक्रम का पता, मतलब ये जो पूरी कार्यक्रम कर रहे थे, ये डिसाइड कर रहे थे कि पेड़ के ऊपर चढ़ाएगी तोतो चैन यासुकी चैन को, इस पूरे कार्यक्रम का पता ये अपने माता पिता को नहीं लगने देना चाहते थे, नहीं तो इनके माता पिता इन्हें बहुत डांटते, बोलते अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है यासुकी चैन तुम्हारे पैरों के अंदर पोलियो है, तुम्हारे हाथों के अंदर पोलियो है, तुम्हें पोलियो की बीमारी है, तुम्हारे हाथ पैर कमज़ोर है। तो इस वजह से इन्होंने अपने माँ बाप को ये बात बताई ही नहीं। तोतो चैन घर से निकलते समय माँ से झूठ कहा उसने कि वो है यासुकी चैन के घर जा रही है, मतलब उसने यही बताया कि यासुकी चैन के घर पे जा रही हूँ, उसको पेड़ पे चढ़ाने जा रही हूँ, ये नहीं बताया। यही कारण था कि उसने अपनी माँ से नज़र नहीं मिलाई, मतलब अपनी माँ को स्ट्रेटली आइज़ के अंदर नहीं देखा। कभी कभी होता है ना, हम नज़र चुराते हैं जब झूठ बोल रहे होते हैं, तो वो ऐसा ही करती है। वो क्या करती है कि अपनी नज़र को अपने जूते के फीतों पर
लगा देती है और वहाँ पर अपने शूज़ के लेसेस टाई करने लग जाती है। जो रॉकी था उसे छोड़ने के लिए स्टेशन तक आया, तो आखिरकार उससे रहा नहीं गया तो चैन से, और उसने रॉकी को सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मैं आज यासुकी चैन को पेड़ के ऊपर चढ़ाने वाली हूँ। स्कूल पहुँचने पर मैदान में उसे यासुकी चैन मिला, यासुकी चैन मिला और दोनों बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज तो फाइनली पेड़ के ऊपर चढ़ने वाला है यासुकी चैन। एक दूसरे से मिलकर वो दोनों हंस पड़े। तोतो चैन उसे अपने पेड़ के पास ले गई, बोला कि चलो मेरे पेड़ के पास चलो। वहाँ जो चौकीदार था, चौकीदार की एक सीढ़ी थी, चौकीदार जो होते हैं ना, गार्ड्स जो होते हैं वहाँ पर, उनके पास में एक सीढ़ी थी, तो वो वहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। उसने पेड़ के तने के सहारे में लगाकर द्विशाखा तक पहुँचाया, मतलब उसने क्या करा, उस सीढ़ी को द्विशाखा पर पहुँचा दिया, रख दिया वहाँ पर, और स्वयं वहाँ से उतर कर क्या करा उसने कि चढ़ाने की, पकड़ने की कोशिश करी सीढ़ी को और यासुकी चैन को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। लेकिन यासुकी चैन के हाथ पैर इतने ज़्यादा कमज़ोर थे कि वो पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पा रहा था, मतलब ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। तो चैन नीचे से उतर आई और उसे पीछे से क्या करने लग गई, धकियाने लगी, मतलब उसे धक्का देने लगी, कैसे भी करके उसको ऊपर की तरफ पुश करने लग गई। लेकिन वो स्वयं इतनी छोटी थी, बहुत छोटी सी थी यासुकी चैन, तो वो कितना ज़्यादा प्रेशर लगा देती, कितनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लेती कि तोतो चैन ऊपर पहुँच जाए। उसने तो बेचारी ने पूरी कोशिश करी, लेकिन लास्ट में दोनों निराश हो गए। यासुकी चैन को भी ऐसा लगने लगा था कि वो कभी भी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन तोतो चैन ने अचानक एक आइडिया निकाला और उसे अचानक से एक बात सूझी। वो फटाफट चौकीदार का जो छप्पर था, मतलब जो उसका एक टाइप से रूम टाइप था, उस तक गई और वहाँ से उसने क्या करा, आप सरप्राइज हो जाओगे उसने क्या करा। वहाँ से वो तिपाई सीढ़ी लेकर आई। अब ये तिपाई सीढ़ी क्या होती है, मतलब मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मैंने पढ़ा था। तो तिपाई सीढ़ी ऐसी सीढ़ी होती है जिसके अंदर सपोर्ट की उसे ज़रूरत नहीं होती। एक सीढ़ी ऐसी होती है जिसको आपने दीवार के सहारे लगा दिया तो आपको नीचे से उसे पकड़ना पड़ता है, और एक सीढ़ी जो तिपाई वाली सीढ़ी होती है उसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो पसीने से लथपथ उसने तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा दिया। तो उसने क्या करा, बेचारी बहुत मुश्किल से उस सीढ़ी को लेकर आई चौकीदार के छप्पर से, और द्विशाखा पर उसने उस सीढ़ी को लगा दिया। यासुकी चैन को सहारा देकर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ाया और दोनों जान ना पाए कि यासुकी चैन को ऊपर चढ़ने में कितना समय लगा। मतलब दोनों ही ये चीज़ नहीं जान पाए कि यासुकी चैन को ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगा। इतना ज़्यादा टाइम लगा होगा, सोचो यासुकी चैन सीढ़ी के ऊपर तो पहुँच गया था, लेकिन तोतो चैन सीढ़ी से छलांग मारकर पेड़ पर पहुंच गई। लेकिन यासुकी चैन को वहां से सीढ़ी पर लाना बहुत मुश्किल हो गया। दोनों को अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चैन का रोने का मन कर गया। उसका ऐसा मन हो गया था कि वो यासुकी चैन को अब वो पेड़ के ऊपर नहीं ला पा रही थी, वो तो पेड़ के ऊपर बैठ गई थी, यासुकी चैन अभी भी सीढ़ी पर ही था। तो उसका रोने का मन हो गया कि यार कैसे इसको, बेचारे को हमने इतनी मेहनत करी, इतनी मुश्किल से यहाँ पर लेकर आए। तो यासुकी चैन ने क्या करा, यासुकी चैन ने उसे कहा कि लेट जाने को कहा और उसका पोलियो वाला हाथ पकड़ कर उसने द्विशाखा पर खींचने की कोशिश करने लगी। तो उसने क्या करा, जो उसको कहा कि तुम यहीं पे ऐसे लेट से जाओ तो मैं क्या करूँगी, तुम्हारा जो पोलियो वाला हाथ है ना उससे कस के तुम्हें खींच के पेड़ के ऊपर ले आऊँगी प्रेशर से। तो उसने ऐसा ही करने की कोशिश करी। उस समय अगर कोई बड़ा उन दोनों को देख लेता तो ज़रूर उनके ऊपर डांट पड़ती और वो ज़ोर से चीख पड़ता कि क्या कर रहे हो तुम दोनों। दोनों बहुत खतरा उठा रहे थे। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने द्विशाखा पर थे। पसीने से लथपथ तोतो चैन ने सम्मान से यासुकी चैन का अपने पेड़ पर स्वागत किया। तो जो तोतो चैन थी उस फाइनली सक्सेसफुल हो गई थी यासुकी चैन को अपने पेड़ के ऊपर, यासुकी चैन को ले आई थी और उसको बोला कि देखो अब तुम मेरे पेड़ के ऊपर आ गए हो तो तुम्हारा वेलकम है, स्वागत है मेरे पेड़ के ऊपर। यासुकी चैन बहुत ज़्यादा खुश था और वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो भी ऐसा ही करता है, वो बोलता है कि हाँ मैं क्या पेड़ के अंदर आ सकता हूँ, आ तो गया ही था वो, लेकिन फिर भी वो उससे पूछता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उस दिन यासुकी चैन को कई नई दुनिया की झलक दिखाई दी। तो जो यासुकी चैन था कभी भी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ा था, जब पहली बार वो चढ़ा तो उसे दुनिया की कहीं झलकें दिखाई दी, कहीं नई चीज़ें दिखाई दी,
और वहाँ पर बैठे बैठे दोनों ने इधर उधर की ना जाने कितनी बातें करी होंगी कि अरे स्कूल का ये, स्कूल का वो, अरे वो देखो सड़क पे कोई जा रहा है, अरे आसमान में देखो पंछी, ये सब बातें वो कर रहे थे। यासुकी चैन ने उस दिन पहली बार तोतो चैन को टेलीविज़न के बारे में भी बताया। तो उसने बताया कि तुम्हें पता है टीवी भी है एक ऐसी चीज़। तब लोग टीवी के बारे में नहीं जानते थे उन दिनों, क्योंकि बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है। यासुकी चैन बहुत ज़्यादा मतलब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करी थी यासुकी चैन ने, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन ये समझ लो कि उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से। उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी अपनी अमेरिका में रहने वाली बहन से, और उसकी बहन ने उसे एक बार बताया था टीवी के बारे में, जिसे हम लोग टेलीविज़न बोलते हैं। यासुकी चैन और तोतो चैन पेड़ पर बेहद खुश थे, बहुत खुश थे। यासुकी चैन के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और आखिरी अवसर था। तो यासुकी चैन पहली बार पेड़ पर चढ़ा था, और शायद ये उसका लास्ट टाइम भी था कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ाओ, क्योंकि तोतो चैन के लिए भी हर बार पॉसिबल नहीं होगा उसको ऊपर चढ़ाना पेड़ के ऊपर, और बहुत ज़्यादा खतरे से भरा हुआ था ये। जैसा आपने देखा कि उसका हाथ खींचना पड़ा था, गलती से उसका हाथ टूट जाता तो, क्योंकि पोलियो वाले लोगों के हैंड्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, लेग्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, वीक होती हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। कैसा लगा है फटाफट कमेंट ज़रूर करें। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनके हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।